पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट साइपैड ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए व्हाट्सएप पे कौन बनेगा करोड़पति के नाम से एक लॉटरी फ्रॉड जो कि पूरे देश में फैलाया गया था, जो 2019 में काफ़ी चला था, उस पर कार्रवाई करते हुए एक ऐसे गैंग को बस्ट किया है जिसका डायरेक्ट लिंक पाकिस्तान से है और उसके ऑपरेटिव्स यहाँ पे बैठ के इस फ्रॉड को करने में मदद कर रहे थे। उनको आइडेंटिफाई करके उनको गोपालगंज और सिवान बिहार से अरेस्ट किया गया। इसमें तीन लोग अरेस्ट हुए हैं जिनके नाम हैं इम्तियाज़, इरफान और संतोष। ये व्यक्ति पाकिस्तान में जो हैंडलर्स इनके बैठे हैं उनसे डायरेक्ट टच में थे और ये हैंडलर्स इस फ्रॉड को ऐसे करते थे कि किसी भी विक्टिम के पास कॉल आती थी कि आपको KBC के तहत आपके नंबर पे लॉटरी लगी है, आपको 25 लाख इनाम मिलेगा। जैसे ही वो व्यक्ति झांसे में आता था उसको कहा जाता था कि आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कीजिए, ये सारे नंबर प्लस 92 जो कि पाकिस्तान का SD कोड है वहाँ से जनरेट होते थे और जब विक्टिम उनको कॉल करता था तो फिर अलग अलग प्रीटेक्स्ट पे, प्रोसेसिंग फ़ी के नाम पे, इंश्योरेंस के नाम पे, धीरे धीरे करके विक्टिम से वो पैसे अलग अलग अकाउंटों में जमा कराते थे। और इस तरह से हमारे जो एक केस में विक्टिम है उसने जो नजफगढ़ की एक महिला है उन्होंने 40 लाख रुपए 3-4 महीने के ड्यूरेशन में जमा कराए। और इस तरह से ये फ्रॉड काफ़ी कॉमन है। हमने ये पाया कि इस फ्रॉड को करने वाले लोग पाकिस्तान में भेज रहे हैं। जो टेक्निकल सर्वेलेंस हमने की और जो ओपन सोर्स की एडवांस एनालिटिक्स हमने की, वी वर एबल टू आइडेंटिफाई इनके जो फोटोग्राफ्स हैं, इनके जो IPs हैं, और उससे बहुत क्लियर लिंक हमें मिले कि पाकिस्तान बेस्ड लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे उनके हैंडलर्स हैं जो ऑपरेटिव्स हैं जो इनको इस फ्रॉड को करने में मदद कर रहे हैं। सर, ये किस तरीके से, जैसा आपने कहा कि लोगों के पास मैसेजेस जाते थे तो जो इनके टारगेट होते थे उन्हें ये फिल्टर कैसे करते थे, और ये जो पाकिस्तान वाला आप मॉड्यूल बता रहे हैं यहाँ उनके हैंडलर्स तक वो किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस देते थे कि आपको ये करना है और आगे फिर किस तरीके से पैसे कैश हो रहे थे? बिल्कुल, देखिए जब इन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ किया व्हाट्सएप को और जो कहानी इन्होंने बनाई KBC की वो ऐसी है जिसमें आपको टारगेट चूज करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। व्हाट्सएप सभी के पास है और KBC एक पॉपुलर एपिसोड है, सीरियल है जो लोग देख रहे हैं, एक प्रोग्राम है, तो हर कोई व्यक्ति इससे वाकिफ है और इससे जुड़ा हुआ है तो इजीली उसको टारगेट किया जा सकता है। और चूंकि जिन लोगों को टारगेट करते थे वो गलेबल लोग थे, उनको इतनी जानकारी नहीं थी कि प्लस 92 के नंबर कहाँ के हैं, जबकि आपको पता होगा कि प्रोग्राम के बीच में भी जो प्रोग्राम के होस्ट हैं उन्होंने भी ये लोगों को सचेत किया था कि इस तरह के फ्रॉड चल रहे हैं, आप उससे बच के रहें। इसके बावजूद कई बार लोग जो कि सीधे साधे लोग हैं वो इस तरह के फ्रॉड के विक्टिम बन जाते हैं और जो पैसा है वो इंडियन अकाउंट्स में जमा हो रहा था, अलग अलग अकाउंट्स में जमा हो रहा था, उनको ऐसे प्रीटेक्स बताए गए जो कि काफ़ी बिलीवेबल हैं, प्रोसेसिंग फी के नाम पे, कोई पर्टिकुलर टैक्स के नाम पे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके उन्होंने लिया जिससे कि ये लोग विक्टिम बनते गए। और एक एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट जो होता है कि एक बार कुछ पैसे दे दिए तो उसके बाद एक आदमी के अंदर खुद से बनता है अगर मैं और पैसे नहीं दूंगा तो मेरे ये पिछले वाले पैसे भी डूब जाएंगे, इस तरह करके उन्होंने ये फ्रॉड को किया। सर, इसके लिए कॉल सेंटर भी खोला गया था कोई इसके लिए ऐसा कुछ? देखिए जो हमारी इन्वेस्टिगेशन है उसमें पाकिस्तान के जो लिंक्स आ रहे हैं उससे कुछ व्यक्ति तो हमें मिल रहे हैं जो ये काम कर रहे हैं, उनका कितना बड़ा नेटवर्क है दैट इज समथिंग जो कि अभी इन्वेस्टिगेशन में हम कर रहे हैं। सर, अब तक कितने लगभग इनके विक्टिम्स हैं जिनको इन्होंने इस तरीके से ठगा है और क्या ये कमीशन के तौर पर थे या फिर उनको पैसा किस तरीके से भिजाते थे? मतलब इसमें जो एक जानकारी हमारे पास है कि फ्रॉड मैसिव लेवल पे हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे हुआ था। हमारे पास जो विक्टिम्स आए उनके हमने जब डिटेल्स निकाली तो तकरीबन 60 से ज़्यादा ऐसे अकाउंट मिले जिनमें पैसे गए हैं और अलग अलग जगहों से ट्रांजैक्शंस हुई हैं। उस एस्पेक्ट को हम डिटेल में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इनफैक्ट उसी के इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमें बहुत सी जानकारियाँ मिली जिससे हम इन लोगों तक पहुँच पाए। सर, ये जो तीनों लड़के हैं इनके तो प्रोफाइल बता दीजिए और ये वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में कैसे आए, ये चीज़ अगर बता पाए तो? जी, ये व्यक्ति पिछले साल 2019 में जब दिल्ली आए यहाँ पे उनको ऐसे लोग मिले जो कि इस काम में पहले से लिप्त थे और ये बिहार में थे। इन्होंने वहाँ जाके जब वापस गए तो उन्होंने उनसे संपर्क साधा और फिर उनके ऑपरेटिव्स उनके यहाँ के लोकल सोर्स बनके उन्होंने इस काम को आगे। ये पिछले एक साल से ऑपरेट कर रहे थे और जब आप देखें अगर टाइम ड्यूरेशन तो अगस्त सितंबर से लेके नवंबर तक ये फ्रॉड काफ़ी
फसलन में। सर इस पैसे का यूज क्या सर आतंकवादी गतिविधियों के लिए हुआ करता था? जो अभी तक हमारी जानकारी है वो ये कि जो पैसा है इकट्ठा होने के बाद थ्रू हवाला इसको भेजा जाता था, एक पर्टिकुलर कट वो ले लेते थे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगा कि अगर पैसे का जो दुरुपयोग है वो किस प्रकार हुआ है। सर ये जो आप लोगों ने पकड़े हैं मतलब कमीशन बेस पे थे या हिस्सेदारी वगैरह हुआ करती थी दोनों के बीच में, जो पाकिस्तान के गैंग है और इनके बीच में? एक्टिव कम्प्लिसिटी थी, ये लोग कंटिन्यूस संपर्क में थे और शुरुआत करने वाले लोग वहाँ होते थे, उसके बाद आगे का जो काम था यहाँ के लोग करते थे और पैसे का लेन देन हवाला के थ्रू होता था। सर गैंग में और भी मेंबर हैं? ये तफ्तीश कर रहे हैं हम लोग, और भी लोग हैं जिनको फर्दर रेस्पॉन्ड कर रहे हैं कुछ लोग, तो उनकी पकड़ होगी। सर इन तीनों को प्रोफाइल क्या है, कितना पढ़े लिखे हैं, क्या ये तीनों मिडिल क्लास फैमिली से हैं और जैसा मैंने आपको बताया कि सिवान और गोपालगंज के रहने वाले हैं, इनकी उम्र भी ज़्यादा नहीं है। पाकिस्तानी कहाँ से डाले? इधर देखना सामने सामने देखो सामने।